गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इतने दिन से, जो 3-4 दिन से व्लॉग नहीं पड़ा, तो मेरे घर में डेथ हो गई थी और खुशबू के पापा भी ख़त्म हो गए थे, तो उस चक्कर में मैं व्लॉग नहीं बना पाई और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो आज से आपको रेगुलर व्लॉग मिलेंगे। और अभी मैं पूजा करके हटी हूँ, तो आगे देखते हैं हम क्या करेंगे फिर आज। और हाँ, सबको हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, मम्मी आ चुकी हैं स्कूल से, मतलब वो हाफ डे में चली गई थी, तो अब आ चुकी है मम्मी और कुछ खाने के लिए बना रही है, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से। तो अब वो जो बनाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ, और वो भी फास्ट का है, क्योंकि मेरा फास्ट है अभी। हाँ, आज तो फास्ट है, कल का नहीं पता कि कल होगा नहीं होगा है। और देखते हैं कि मम्मी क्या बना रहे हैं। तो ये मम्मी ने मेरे लिए वो बनाया, साबूदाने की खिचड़ी व्रत वाली। और यहाँ ये थक गई हैं तो आराम कर रही हैं। आप लोग सोचते होंगे ये एक ही जोड़ी कपड़े में क्यों दिखती हैं, इसी सूट में ज़्यादातर क्यों दिखती हैं, तो मैं बताऊं कि इनको इसमें रिलैक्स फील होता, कंफर्टेबल लगता है, इसलिए ये इसमें ज़्यादा दिखती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं खा के थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि मैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर, और घर का कुछ सामान लेना, वो सामान भी लेंगे और मंदिर भी जा रहा। तो आपको दिखाते हैं कि मंदिर कैसा है, और रास्ते में दिखाएंगे कि हाँ कौन सा रास्ता है, किस रास्ते से हम जा रहे हैं, सब आपको दिखाएंगे। तो मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई कि आज हम पैदल हैं, और हमारी हायाबुसा है ना, वो पापा लेके जा चुके हैं। तो हमसे पहले उनने मौके पर चौका मार लिया, हमें पैदल पैदल जाना पड़ रहा है। चलते हैं, कोई बात नहीं। तो आपको पता है इसके साथ एक कोइंसिडेंस हुआ है, और वो कोइंसिडेंस क्या है ये अपने मुंह से ये खुद बताएगी क्या हुआ। मैं नहीं बता रही अपने आप, बता दो। अच्छा, थोड़ा सा हिंट दे दो, बाकी तो मैं बता ही दूंगा अपने आप, बता दो। ये अभी ये बोल रही थी कि इसका जो फोटो है, जो मतलब इसने क्लिक कराया था, तो वो किसी और ने अपनी डीपी पे लगा लिया। अरे भाई, क्यों लगाना, माना कि हाँ ठीक लगती है लड़की हमारी, लेकिन किसी का फोटो ऐसे नहीं लगाना चाहिए बिना परमिशन के। परमिशन ले लो फिर आप कुछ भी करो। उससे कहा भी तो कह रही है मुझे अच्छा लगा तो मैंने लगा दिया। मैंने मतलब सामने वाले जिस बंदे का फोटो है उसको कोई मतलब ही नहीं है, ना उससे पूछना ना कुछ, अच्छा लगा तो लगा दिया। तो हमने ऑटो कर लिया है, और ऑटो में बैठ चुके हैं, और बहुत ही बुरी साइड बैठे हैं, दिखा नहीं सकते हैं। और इसको अगर देखोगे ना खड़े होकर, तो ऊपर तक देख नहीं पाओगे, इतनी बड़ी है ये। तो हम तो दूर हैं इसलिए हमें दिख रही है, पर हमें अलकनाथ नहीं जाना, हमें नौ देवी जाना, तो हम बाहर से दर्शन करा दे रहे हैं। तो ये नौ दुर्गे मंदिर आ चुका है, और ये है गाय माता, और ये है मंदिर, मतलब यहाँ से। तो यहाँ से सब मंदिर की स्टार्टिंग है, और आगे तक मंदिर ही मंदिर है। कितनी प्यारी लग रही है अपनी माता जी। तो यहाँ कुछ खिलौनों की दुकान वगैरह, मिठाई की, प्रसाद की दुकान, देखिए जैसे ये है प्रसाद की दुकान ना, ऐसे सब है, बहुत सारी दुकानें हैं लाइन से, देखिए। अभी तो पूनागिरी वाला किला। ओए तेरे भवन दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन, थाम कर ये चरण, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलते रहे, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलते रहे। अभी माता रानी का श्रृंगार चल रहा है, इसलिए बंद हुआ। देखिए कितनी प्यारी हैं।
कुछ बातें यह है केले का पेड़ और इसकी पूजा की जाती है। यहाँ सब में ना मतलब पूरी गलियों में जहाँ जहाँ मंदिर है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुझे ध्यान है एक बार तूने एक किताब ली थी और किसी की गाड़ी में रखी रह गई थी? मुझे याद है, यहीं से ली थी मैंने, शिव जी के व्रत के लिए ली थी और वो यहीं उस मतलब उसी की गाड़ी में रह गई थी, वो उसकी थी। फिर वो मुझे मिली भी नहीं। किस्मत किस्मत की बात होती है ना। यहाँ ये पूरी बाजार लगती है, मतलब ऐसा बिल्कुल मेले की जैसा लगता है, ऐसा लगता है पूरी गली में मेला लगा हुआ है। पूरे मंदिर की चारों ओर दुकानें, खिलौने, कॉस्मेटिक सब चीजें मिलती हैं यहाँ पे, प्रसाद सब कुछ, खाने को भी मिलता है। एनीथिंग यू कैन फ्रेंड, जैसे कि मैंने बोला था कि सामान लेंगे तो हमने सामान ले लिया है और चलते हैं। और इसकी तबीयत डाउन हो गई है, डाउन इसको कमजोरी कमजोरी फील हो रहा है, आँखों से दिख रहा होगा आपको, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत दिन से ठीक नहीं है और शायद इसीलिए हमारा ब्लॉग भी नहीं आ रहा था क्योंकि हालत बहुत डाउन थी और घर में भी घर में ताऊ जी की डेथ हो गई थी और जो हमारे साथ ब्लॉग बनाती ना लड़की खुशबू, तो उसके पापा की भी डेथ हो गई थी, तो इसी वजह से बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, फ़ोन उठाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो अब जाके आज हमने स्टार्ट किया, लेकिन झूठा हो गया, झूठा पीने से प्यार बढ़ता है। ये
फ्रेंड्स ये पूजा कर रही है राधिका। हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या ना मुंह धो क्या? हाय हाय, पाउडर बहुत लगा। फ्रेंड मैं घर आ चुकी हूँ, सामान ले लिया था, मंदिर चली गई थी और वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आराम फील हुआ। और अब मम्मी खाने की तैयारी कर रही हैं, तो वो खाने में टमाटर आलू और सूखे आलू और खीरे का रायता बना रही हैं। और अब मैं इस ब्लॉग को मैं दवाई लेने जा रही हूँ, तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, जो साइड में बेल आइकन दिए ना उसे क्लिक कर देना, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।